तुम्हें आइडिया भी है भी? तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देने के लिए क्या क्या हदें पार की है मैंने? सबसे पहले मैंने सानिया को अपनी तरफ किया। डील बहुत सिंपल सी है सानिया, तुझे रॉकी चाहिए और मेरी जान हैप्पी में अटकी है, तो अगर तू और मैं मिल जाएं, तो फिर हमें जो चाहिए वो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। सोच क्या रही है सानिया? अगर सोचना है तो ये सोच कि अगर उस हैप्पी ने रॉकी को तुझसे छीन लिया तो बर्दाश्त कर पाएगी तू? किसी कीमत पे नहीं। Then deal? Deal. भाई एक आइडिया है आपके लिए और हैप्पी के लिए ना, एक बढ़िया से डिनर डेट प्लान करते हैं। सिमी को बहुत आग लगी थी ना रॉकी और हैप्पी को साथ में लाने की, उनके लिए डिनर डेट प्लान करने की। अब वो आग तो बुझानी पड़ेगी ना। देन जो भी रॉकी और हैप्पी को मिलाना चाहता था उन्हें रास्ते से हटा दिया, हैप्पी रॉकी के बीच में दरार पैदा की। आरवी आज तक मेरे साथ किस तरीके से पेश आए ना, ये मैं ही जानती हूँ, और काश ये बात मैं तेरे बारे में भी बोल सकती। रॉकी लड़ो, अच्छा है और लड़ो, यही तो मैं चाहता था, इसीलिए तो मैंने नशे में होने का नाटक किया। मुझे छोड़कर मत जाओ हैप्पी। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, आप आराम से सो जाइए, मैं यहीं पे। हैप्पी अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कैन वी गो फॉर लंच? एक्चुअली हैप्पी को मुझे मंदिर जाना है। पूरे दिन का प्लान खराब कर दिया मेरा। हैप्पी की माँ भी बहुत हैप्पी रॉकी कर रही है, पर हैप्पी तो मेरी है ना सानिया, ऐसे कैसे भूल सकती है वो जो मैंने उसके और उसकी फैमिली के लिए किया। सेट तो करना पड़ेगा ना उसे भी। तुझे पता है ना तुझे क्या करना है सानिया, और तू टेंशन मत ले, काम खत्म होते ही तुझे वहां से निकालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रॉकी को मारने की कोशिश की, लेकिन हैप्पी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नो 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 हैप्पी, तुम बीच में क्यों आई हैप्पी? रॉकी! फिर मैंने ऐसा नाटक किया किसी को मुझ पर शक ना हो। आरवी जस्ट काम डाउन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे हैप्पी के एक्सीडेंट के बारे में पता था। जस्ट काम डाउन। आरवी तू सोच भी कैसे सकता है रॉकी को नुकसान पहुंचाने का? हाँ क्या करने जा रहा था तू? जान से मारेगा उसे? पागल है क्या? दिमाग खराब है तेरा? अरे हमारी क्या डील हुई थी? क्या डील हुई थी हमारी कि तुझे तुझे हैप्पी मिलेगी और मुझे रॉकी, और फिर भी तूने मेरे रॉकी को नुकसान। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं तुझे सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। और भी तूने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो याद रखियो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? प्यार में महंगे और सस्ते की परवाह नहीं करता अरवी। भाड़ में गई तेरी डील। तुझे जो करना है तू कर, और मुझे जो करना है मैं करूंगा। मेरे और हैप्पी के बीच में जो भी आएगा ना सानिया, वो चांद से जाएगा, फिर वो चाहे तू हो चाहे रॉकी। और फिर सानिया नाम के कांटे को रास्ते से हटा दिया। इंस्पेक्टर दलजीत, तुम्हें पाने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दी है हैप्पी, अब मैं रॉकी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा हैप्पी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं हैप्पी। आई लव यू हैप्पी।
हैप्पी और रॉकी कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। तुम सिर्फ मेरी हो हैप्पी, सिर्फ मेरी। यहाँ पे रख ले इसको आराम से। तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। और मैं दो दिन के लिए बाहर किया गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। भाई साहब, आप बेकार में परेशान हो जाते। एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि सोचने और समझने का वक्त नहीं मिला। हैप्पी, आपका फेवरेट मिक्स फ्रूट जूस। हैप्पी, बहुत दर्द हो रहा है। रॉकी, चोट लगी है तो थोड़ा दर्द तो होगा ना। मैंने गलत हाथ से पकड़ा। हैप्पी, तू एक बात सुन ले, जो तेरी आदत है ना पूरे दिन इधर से उधर फुदकने की, वो बंद। तुझे कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, तू हमें बुलाएगी। एकदम आराम, बेड से कहीं भी जाना होगा तू हमें आवाज देगी, ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता रॉकी, बहुत सारा काम पड़ा है होटल में, मुझे जल्दी से रिज्यूम करना पड़ेगा। काम तो होता रहेगा, तू उसकी चिंता मत कर, जान है तो जान है, होटल जरूरी है पर तुझसे ज्यादा नहीं। आंटी, मैं ये डॉक्टर ने डाइट प्लान दिया है, इसमें कुछ सामान है वो लेके आना है। ठीक है बेटा जी। गेट वेल सून हैप्पी, प्लान शुरू। सीधे सीधे पूछूंगी तो आरवी कभी जवाब नहीं दे। He's acting really strange. करो तो करोगे, समझ ही नहीं आ। अनाया, तुम्हें क्या जरूरत थी हॉस्पिटल जाके सानिया से मिलने की? साफ साफ बताओ ना अनाया, तुम चाहती क्या हो? तुम जानती हो ना कितनी टेढ़ी बुद्धि के लोग हैं वो भाटिया और उसकी बेटी सानिया? तुम्हारे बातों से कंसर्न कम और टेंशन क्यों ज्यादा दिखाई दे रही? प्लीज अनाया, ये कोई कोर्ट केस नहीं है कि तुम मुझे क्रॉस एग्जामिन करो, मेरी टोन को एनालाइज करो, प्लीज स्टॉप इट। इंस्टिंक्ट, यू अंडरस्टैंड इंस्टिंक्ट? अगर कोई कुछ गलत करता है तो मुझे समझ में आ जाता है, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या फिर बाहर। और क्या कहा तुमने कि सानिया और भाटिया टेढ़ी बुद्धि के लोग है? तो ऐसे टेढ़ी बुद्धि के लोग के साथ मेरे डैड और तुमने कौन सी डील साइन करी बताओ? अब शांत क्यों? मुझे पता है तुम लोग के बीच में कुछ ना कुछ है। ठीक, मत बताओ। वैसे भी सानिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। रॉकी वॉज इनोसेंट, तुम्हें पहले दिन से पता था, फिर भी तुमने उसे फंसाया, उसे जेल भिजवाया। और हाँ, हैप्पी के फैमिली के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी तुमने कराया था हैप्पी को पाने के लिए। ये प्यार नहीं पागलपन है, यू आर ऑब्सेस्ड विद हैप्पी। मुझे तुम्हारे मुंह से सच जानना है, बताओ आरवी, आरवी स्पीक। राइट अना, मैं जानता हूं मैंने रॉकी को जेल भिजवाया अपने भाई रणवीर को बचाने के लिए, और उसके बाद मुझे हैप्पी से प्यार हो गया। अगर हैप्पी को पता चल जाता कि मुझे डे वन से पता था कि रॉकी इनोसेंट है, तो फिर मैं उससे कितना भी प्यार कर लूं, वो मुझसे सिर्फ नफरत करती, जो मैं नहीं चाहता था। रॉकी पुत्र, रॉकी मेरी बात तो सुन। रॉकी, 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 वो हैप्पी की तबीयत अब ठीक हो गई है, उसकी जरूरत के हिसाब से तूने जो कुछ भी करना था सो कर दिया, पर अब वक्त आ गया है तेरा वादा निभाने का जो तूने मुझसे किया था, हैप्पी से दूर रहने का। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। यही धमकी दोगे ना?
हमसे आप अपने अपने ही बेटे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये क्या धुन सवार हो गई आपको? वो हैप्पी, वो मौत से लड़के आ रही है किसके लिए? आपके बेटे के लिए। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा मोमसी? ये क्या हो क्या गया आपको? इतनी नफरत किस बात की, क्यों, कैसे? दुनिया में दो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, एक तो तेरे लिए मेरा प्यार और दूसरा हैप्पी से नफरत। अगर मैं हैप्पी के साथ रहा तो आप ये घर छोड़ के चली जाएंगी, है ना? ठीक है, मेरी भी एक बात सुन लो, अगर मैं हैप्पी के साथ नहीं रह सकता तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। आपको और इस घर को, सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, ये ठीक है? मुमसी आप फैसला ले लो, जो भसड़ आपने मचाई है उसके चलते हम दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही वाले हैं। और एक बात और नोट कर लो, मेरे दिल में हैप्पी के लिए प्यार खत्म नहीं हो सकता। मैं भी आप ही का बेटा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। और जो मैं नहीं चाहता वो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं हैप्पी को पाने और उसको बचाने के लिए अपने भाई की जान ले सकता हूं तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं ना। खून किया तुमने किसी का? अरविंद, 10 साल बिताए मैंने तुम्हारे साथ, वी हैव लिव्ड टुगेदर। यू कांट डू दिस, राइट? अरविंद प्लीज कह दो ये झूठ। सरप्राइज अनाया, वेकअप कॉल। मैं अब ऐसा ही हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम्हारे सामने हूं अनाया, और यही फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट ये है, रॉकी को मैंने जानबूझकर फंसाया, ये बात हैप्पी को किसी भी कीमत पर पता नहीं लगनी चाहिए। अरविंद तुम पागल हो चुके हो, ये कैसा प्यार है अरविंद, जो तुम्हें इंसान से जानवर बना चुका। But you know what? उसकी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो मैं खोलूंगी, मैं बताऊंगी उसे कि तुम क्या हो। टू डिस्ट्रॉय यू। अभी यू आर हर्टिंग मी। मेरे और हैप्पी के बीच कोई नहीं आ सकता, नो वन। मुमसी, मैं हैप्पी को एक बार लगभग खो चुका हूं, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। और अभी गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हैप्पी जैसे ही ठीक होगी मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूं। अगर आपको मेरा और हैप्पी का प्यार नामंजूर है तो मुझे यह घर नामंजूर है। हैप्पी के बिना नहीं रह सकता। रॉकी का फंडा क्लियर है, मैं
मैं हैप्पी से प्यार करता हूं। में भी नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है उसका, है कहाँ अनाया? हेलो, अनाया ऑफिस आई है? नहीं, बिना बताए अनाया चली कहाँ गई? सर जब मैम घर आए थे ना तो बहुत परेशान लग रहे थे, मैंने पूछा भी पर कुछ बोले नहीं, उल्टा मुझे ही कुछ काम से मार्केट भेज दिया। कहाँ गई होगी अनाया? बोरिंग है, बिल्कुल बेस्वाद है, मैं नहीं खा सकती। हैप्पी मुस्कुरा के खा, मुंह सड़ा के खा, जैसे खाना है वैसे खा, डाइट में यही लिखा है तो खाना पड़ेगा। अच्छा मेरे हाथ से खा ले। चल एक काम करते हैं। ये इसको रखा। ये चीटिंग है रॉकी, तू चीटर है, हट। क्या ना हैप्पी, प्यार और जंग में सब जायज है, और ये ये डिनर टाइम है, खाना तो पड़ेगा। देख लोगे, बस कर दे, प्यार से बोल रही हूँ, मुझे नहीं खानी है गंदी खिचड़ी। हैप्पी ये तेरी नौटंकी है ना, प्लीज प्लीज करके पटाने वाली, मुझ पे नहीं चलने वाली। रॉकी बड़ा सख्त लौंडा है। सही है, बीमार इंसान पे जितनी चाहे एट चला ले तू। तू भी एक खिचड़ी का तो फिर मैं खा लूंगी, चुप जा पक्का। चल तू भी क्या याद करेगी, किसी बड़े दिल वाले से पाला पड़ा था। तू ये खिचड़ी खाएगा सच्ची? ले खा, खा के दिखा। वाह बहुत अच्छी है। रॉकी ये तो एकदम बेस्वाद है, तूने कैसे खा ली? स्वाद तेरे हाथों में है अभी, और तेरे हाथों से ना जहर भी मीठा लगेगा। बस फिल्मी गिरी बननी होती तेरी, बस फ्लर्ट करवा लो तुझसे, है ना? टेलर मेड बातें सिर्फ तेरे लिए, और जिंदगी भर बस तेरे लिए रहेंगी। एक काम करते हैं, हमारे होटल में ना एक डिश रखवा लेते हैं, रॉकी की चिकनी चुपड़ी बातें, सबसे ज्यादा फिर वही बिकेंगी। कुछ लगा था हम दम मेरे
इतने दिनों बाद दोनों को साथ में खुश देखा है। इनको भगवान न करे कभी भी किसी की नजर लगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।